जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और गर्मियों का मौसम खूब इंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि गर्मियों का मौसम है और आज का हमारा मौजू भी इसी हवाले से है। आज हम बात करेंगे कि कैसे गर्मी से अपने आप को, अपने बच्चों को और अपने घर वालों को बचाया जा सकता है। आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक की, क्योंकि गर्मियों में अक्सर हमें हीट स्ट्रोक हो जाता है। हीट स्ट्रोक क्या है, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है और इसे कैसे बचा जा सकता है? हीट स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत की वजह से लाहक होती है, जिसमें इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत 104 डिग्री या इससे भी ज़्यादा तजावज़ कर जाता है और इसके नतीजे में न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो जाता है। ये उस वक्त होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी में रहने की वजह से जिस्म के टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम फेल हो जाता है और उसके नतीजे में जिसम में डिहाइड्रेशन या ओवरहीटिंग हो जाती है। अब इसकी वजूहत क्या है? सबसे बड़ी वजह इसकी हाई टेम्परेचर है। बहुत ज़्यादा गर्मी में जाने की वजह से ओवरहीटिंग हो जाती है और हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि 104 से भी ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। अब हम देखते हैं इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहला इसका साइन हाई टेम्परेचर है। इसमें टेम्परेचर 103 और 104 से भी ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, पल्स रेट बहुत तेज़ हो जाता है। तीसरा, सांस बहुत ज़्यादा फूलता है। कन्फ्यूजन्स, अजीब तरह से कन्फ्यूजन और डिसोरिएंटेशन सी होती है, धुंधला सा नज़र आता है, पसीना बिल्कुल नहीं आता, नोज़िया फील होता है, वॉमिटिंग होती है, हेडेक होती है और समटाइम्स ऐसा होता है कि कोमा में चला जाता है पेशेंट, हत्ता कि मौत भी वाकई हो सकती है। ये तमाम इसकी अलामत होती हैं। अच्छा, इस सूरत हाल में करना क्या चाहिए? अगर आप घर से बाहर हैं तो साए में आ जाएं, अगर घर में हैं तो ठंडी जगह पर पेशेंट को रखें, एसी का इस्तेमाल करें। एक बात याद रखिएगा कि हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसे प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ट्रीट किया जा सकता है, वरना इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।